हेलो एवरीवन। सो कंपनी है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 15 सितंबर। सो प्राइस हम देख सकते हैं कि लगातार प्राइस ऊपर मूव कर रहा है। अभी क्या हुआ था कि जो सेकंड लास्ट यानी कि जो ब्रेकआउट हुआ था हाल ही कुछ दिनों पहले, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल्स ने एक सपोर्ट बना दिया था उसी पॉइंट पे, कंसोलिडेट कर रही थी कैंडल्स। अब इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि उस लेवल का कैंडल्स यानी फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, कैंडल्स कहाँ तक अब तक पहुँची हैं, और जो कैंडल्स अभी चल रही हैं यानी कि जो प्राइस अभी ऊपर निकल रही है उसके अंदर वॉल्यूम्स और कैंडल कैसे हैं। ठीक है, सो देखने के लिए चार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट फ्रेम पर ताकि उस मूवमेंट को प्रॉपर देख पाएँ। सो अपने को ब्रेकआउट मिला था लास्ट टाइम इस पॉइंट से, यहाँ से कैंडल्स ने अपने इस लेवल का इस रेंज का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद हम कैंडल्स देख सकते हैं, जितनी भी कैंडल्स बनी है इस ब्रेकआउट के बाद में करीब 304 कैंडल बनी है ऊपर तक। ठीक है, इस पॉइंट जितनी भी कैंडल हैं सारी कैंडल मारो बूझो हैं, यानी कि किसी की भी अपर शेडो नहीं है। दो तीन कैंडल्स की अपर शेडो है, बाकी सब अपर शेडो फ्री कैंडल्स हैं, यानी कि अभी भी प्राइस स्ट्रांग है ऊपर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया 70 रुपये के आसपास के लेवल से। कैंडल्स ने अपना 84 का लेवल टच किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कैंडल्स ने बना दिया फ्लैग कुछ इस तरीके से, जिसका ब्रेकआउट भी कैंडल्स दे चुकी हैं। अब क्या है कि कैंडल्स अपने फ्लैग के ब्रेकआउट देने के बाद से अब कैंडल्स रुक रही हैं कुछ यहाँ पे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई थी इसका हाई बन गया था वहाँ पे, वो है तकरीबन 85 रुपये के ऊपर। अगर कैंडल्स इस लेवल को ब्रेक कर देती है अच्छे कैंडल्स और अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ पे हमारा एक और ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कैंडल्स इस पर्टिकुलर रेंज पे किस टाइप से मूवमेंट कर रही है, कैंडल्स यहाँ ब्रेकआउट कैसे करेगी और वॉल्यूम किस टाइप के रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।